पाकिस्तान खत्ते में हथियारों की दौड़ नहीं चाहता। हिंदुस्तान से हमें किसी खैर की तवक्को नहीं, जरूरत पड़ी तो दिफा करना जानते हैं। 27 फरवरी की मिसाल आपके सामने है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा कश्मीरी बदस्तूर भारतीय मजालिम का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चीनी क़यादत को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरखास्तों की समाअत, अटॉर्नी जनरल ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा के इल्जामात महज मफरूजों पर मबनी है, एहतसाब से किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। जस्टिस फायज की दरखास्त काबिल समाअत नहीं, जवाब का मतलब। पाकिस्तान खत्ते में हथियारों की दौड़ नहीं चाहता। हिंदुस्तान से हमें किसी खैर की तवक्को नहीं, जरूरत पड़ी तो दिफा करना जानते हैं। 27 फरवरी की मिसाल आपके सामने है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा कश्मीरी बदस्तूर भारतीय मजालिम का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चीनी क़यादत को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरखास्तों की समाअत, अटॉर्नी जनरल ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा के इल्जामात महज मफरूजों पर मबनी है, एहतसाब से किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। जस्टिस फायज की दरखास्त काबिल समाअत नहीं, जवाब का मतलब। पाकिस्तान खत्ते में हथियारों की दौड़ नहीं चाहता। हिंदुस्तान से हमें किसी खैर की तवक्को नहीं, जरूरत पड़ी तो दिफा करना जानते हैं। 27 फरवरी की मिसाल आपके सामने है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा कश्मीरी बदस्तूर भारतीय मजालिम का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चीनी क़यादत को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरखास्तों की समाअत, अटॉर्नी जनरल ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा के इल्जामात महज मफरूजों पर मबनी है, एहतसाब से किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। जस्टिस फायज की दरखास्त काबिल समाअत नहीं, जवाब का मतलब।